हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा इंग्लिश क्लासेस पे। किसी कारण बस दोस्तों दो दिनों मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, कारण बहुत बड़ा है, समझाऊंगा कभी बाद में। लेकिन आज मैं आपका मनपसंद टॉपिक पढ़ाऊंगा, फ्रेजल वर्ब। सही है, फ्रेजल वर्ब। चलिए आज मैं फ्रेजल वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूं और बीच बीच में इन टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा। आप थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे, मैं सवाल जो प्रेजेंटमेंट करूंगा आपके सामने, उन सवालों को अच्छे से समझ के आप जवाब दीजिएगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रेजल वर्ब के बारे में इन बिटवीन, मतलब जब मैं क्वेश्चन रखूं, एक्सप्लेन करूं, उसी समय मैं बताता रहूंगा और आप दिमाग लगाते रहिए। मैं क्वेश्चंस के जरिए आपसे मैं बात करना चाहूंगा। अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि दे पुट अ वीकली मैगजीन एवरी सैटरडे। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। आज मैं जो सवाल पूछूंगा वो पुट वर्ब से रिलेटेड होगा। अब ये जो वर्ब है ना, इसके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन या एडवर्ब पार्टिकल लगाना है वाक्य में, जरूरत के हिसाब से देखते हुए कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या होगा। जैसे मैं इसके लिए ऑप्शन दे रहा हूं आपको, पुट अप, पुट डाउन, पुट अक्रॉस और पुट आउट। आज मैं फ्रेजल वर्ब की सब गुत्थियों को सुलझाऊंगा, आपसे बात करूंगा फ्रेजल वर्ब के बारे में और आप समझने लगेंगे कि फ्रेजल वर्ब को पढ़ना कैसे। तो आज मेरा सारा सवाल जो होगा पुट से होगा और टॉपिक जो आपके लिए रखा गया है वो फ्रेजल वर्ब। वर्ब आ गया तो समझो कि ये काम वर्ब का ही करेगा। अब जरा आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे सॉरी मैं यहाँ पुट को ही हटा देता हूं, यहाँ पे आप इसमें बताइए सही फ्रेजल वर्ब कौन सा होगा। देखो इसको हम फ्रेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक और एक दो शब्द, ये देखिए वर्ब, ये देखिए एडवर्ब पार्टिकल, अप एंड डाउन एडवर्ब पार्टिकल है, ये देखिए वर्ब, ये है एडवर्ब पार्टिकल, ये देखिए वर्ब, ये है हमारा प्रीपोजिशन, तो वर्ब ये है हमारा एडवर्ब पार्टिकल। तो किसी भी बेस वर्ब के साथ अगर कोई खास एडवर्ब पार्टिकल और प्रीपोजिशन लगता है तो ये दो शब्द मिलके या दो से अधिक शब्द मिलके फ्रेज बन जाते हैं। अब कोई भी फ्रेज किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच जैसा ही काम करता है। अब ये काम करता है वर्ब का, इसीलिए हम कहते हैं इसे वर्ब, लेकिन दो शब्दों का है इसे कहते हैं फ्रेज, यानी कि दोनों काम के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से इसे कहा जाएगा फ्रेजल वर्ब। अब पुट एक वर्ड है, अब इसके साथ अप लगाइए, अप विद लगाइए, डाउन लगाइए, क्रॉस लगाइए, इन लगाइए या अलग अलग चीज आप लगाते हैं तो इसकी मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो आपको वाक्य में दिया रहता है, खास करके क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, रैपिड फिलर्स में, एरर इंप्रूवमेंट, हर जगह डोमिनेंस इसका आपको महसूस होगा। अब बताइए आपने सोच लिया होगा, तो अब बताइए कि यहां पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कहा जा रहा है कि मंथली मैगजीन हर शनिवार को वो निकालते हैं, वीकली मैगजीन सॉरी, तो वीकली मैगजीन निकालते हैं, तो निकालना पब्लिश करने के लिए कौन सा वर्ड होता है। पुटअप का मतलब तो क्या होता है, पुटअप का मतलब, वैसे पुट का मतलब रखना होता है, पुट का मतलब होता है ले, ठीक है, पुट का मतलब होता है ले, और अप लगाएंगे तो क्या हो जाता है, तो तोड़ तोड़ के पढ़ो, पुट का मतलब रखना और अप का मतलब ऊपर, तो पुटअप का मतलब ऊपर रखना भी हो सकता है, खड़ा करना भी हो सकता है और पुटअप का मतलब रहना भी हो सकता है। तो ये जैसे एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं ना दोस्त, जैसे स्पेस है तो स्पेस का मतलब अंतरिक्ष है या जगह है, ये कौन बताएगा, ना डिक्शनरी ना टीचर ना आप, सिर्फ वाक्य का कॉन्टेक्स्ट बताएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्पेस, तो यहां स्पेस का मतलब बताइए जगह हुआ या अंतरिक्ष हुआ, अंतरिक्ष हुआ, तो कॉन्टेक्स्ट देखना है। और अगर हम कह रहे हैं आई वॉन्ट सम स्पेस इन इन माई लाइफ नाउ, तो अब मुझे कुछ जगह चाहिए, यानी थोड़ा सा सेपरेसी के साथ मैं रहूंगा, तो स्पेस का मतलब यहां जगह हुआ, अंतरिक्ष नहीं। तो कोई भी फ्रेजल वर्ब के भी कई मीनिंग होते हैं, एक ही मीनिंग आप याद करेंगे तो आप कभी भी सही तरीके से फ्रेजल वर्ब को समझ ही नहीं पाएंगे। तो पुटअप का मतलब मैंने क्या बताया, पुटअप का मतलब खड़ा करना भी होता है
कोई स्टैचू को खड़ा कर रहे हैं, कोई टेंट को खड़ा कर रहे हैं। पुट अप, पुट अप का मतलब रहना। कहाँ रहते हैं आप? वेयर डू यू पुट अप? आई पुट अप एट मुखर्जी नगर, आई पुट अप इन दिल्ली। तो पुट अप का मतलब रहना भी होता है। और यहीं पे अगर हम बोल रहे हैं पुट डाउन, तो पुट डाउन का मतलब नीचे दिखाना, नीचे रखना भी होता है। पुट अक्रॉस, किसी को समझाना होता है। पुट आउट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा पब्लिश करना, लेकिन ये पुट आउट का मतलब और भी होते हैं, पब्लिश करना भी होता है। अगर हम कह रहे हैं लाइट कैंडल बुझा दो, तो पुट आउट द कैंडल, तो बताओ पुट आउट का मतलब क्या हुआ? पब्लिश करना या यहाँ पे बुझाना हो गया? तो पुट आउट का मतलब यहाँ बुझाना हो गया। अगर मैं कह रहा हूं कि पिज्जा से ओनियन निकाल लीजिए, पुट आउट द ओनियन फ्रॉम द पिज्जा, तो पुट आउट का मतलब निकालना हो गया किसी चीज से। पुट आउट का मतलब पब्लिश करना हो गया। पुट आउट का मतलब आपका आग बुझाना हो गया, जो एक्सटिंग्विशर से हम पुट आउट करते हैं फायर को। तो एक फ्रेजल वर्ब के कई मीनिंग हो सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें चीजों को समझना है। तो यहाँ के लिए जो जरूरत के हिसाब से वर्ड चाहिए था, यहाँ पे पुट आउट हो जाएगा। ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है और दो शब्द है फ्रेजल वर्ब, फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों को देखना है, सही है? तो ये इसका मतलब हुआ। लेकिन पुट आउट का मतलब क्या क्या हुआ जरा समझिए। पुट आउट का मतलब पब्लिश करना भी होता है, तो पब्लिश करने के अलावा पुट आउट का मतलब टेक आउट भी हो सकता है, किसी चीज को टेक आउट बाहर निकालना, या पुट आउट का मतलब एक्सटिंग्विश करना भी हो सकता है, बुझाना भी हो सकता है। तो पुट आउट का मतलब एक वर्ड नहीं रखिएगा, एक ही मीनिंग नहीं होता, इसके कई मीनिंग होते हैं, तो इनको समझना है। जैसे पुट अप है, तो पुट अप का मतलब क्या हुआ? इरेक्ट करना, खड़ा करना, कोई टेंट को, कोई स्टैचू को। अब यही पुट अप का मतलब जो दोस्तों ये भी हो सकता है कि पुट अप, आप कहां रहते हैं? वेयर डू यू पुट अप? तो पुट अप का मतलब रहना भी हो जाता है, पुट अप का मतलब इरेक्ट करना भी हो जाता है, और पुट अप का मतलब ये खड़ा करना, ऊपर रखना, ये भी हो सकता है, सही है? तो एक वर्ड के कई मीनिंग है। जैसे पुट डाउन है, तो ये जो पुट डाउन है ना, इसका मतलब अगर हम कह रहे हैं, जैसे मैं अगला वर्ड लिख रहा हूं उसमें समझने की कोशिश करिएगा, तो तैयार हो जाइए समझने के लिए। जब आप खुद से भी दिमाग लगाएंगे, फिर मुझे सुनेंगे, चीजें बदल जाएगी। ये सारी चीजें मैंने एडवांस वर्ड बूस्टर में बड़े तरीके से दिया है, जो कुछ चीजों को मैं समझाऊंगा अपने आप चीजें आपके लिए आसान होने लगेगा, सही है? जैसे यहां देखिए अगला वाक्य, ही ऑलवेज स्टिल सी इज विद हिम, सही है? यहां पे देखो, यहां पे लिखो पुट हर अप, पुट हर डाउन, पुट हर अक्रॉस और पुट हर डाउन। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब आप जरा चेक करो, देखो, समझो, जज करो और सही फ्रेजल वर्ड लगाने की कोशिश करिए। ध्यान रहे, दिमाग लगाने के लिए आपके पास दो दो वर्ड्स हैं, दोनों से दिमाग लगाइए। पुट का मतलब भी समझिए और बाकी एडवर्ब, पार्टिकल और प्रीपोजिशन पे भी ध्यान दो दोस्तों, चीजें स्पष्ट हो जाएगी। पहले आप दिमाग लगाइए, बाद में मैं बताऊंगा। सी ही ऑलवेज, अब यहाँ स्टिल है, तो इससे आपको सिग्नल मिल रहा है, क्लू मिल रहा है कि यहाँ पे दो तरह की चीजें होंगी, एक अनुकूल चीजें, दूसरी प्रतिकूल चीजों को यहाँ पे दिखाएगा, कॉन्ट्रास्ट होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो अभी भी है, लेकिन वह कुछ अच्छा उसके साथ करता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ बनी हुई है। तो यहाँ पे पुट अप, तो पुट अप का मतलब अभी समझा आपने, पुट अप का मतलब इरेक्ट करना होता है, रहना होता है, या पुट अप का मतलब कहीं टेम्पररी स्टे करना भी होता है। पुट अक्रॉस का मतलब होता है कि अपने आइडियाज को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाना होता है। पुट हर डाउन का मतलब क्या हो जाएगा? पुट हर डाउन, या अगर हम यहां पे लिख रहे हैं पुट हर ऑन, तो पुट ऑन का मतलब तो आपको पता ही है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, कोई चीज को अटैच करना, ऑन अटैचमेंट के लिए होता है। तो पुट का मतलब, ऑन का मतलब, अप का मतलब, सब समझो, मिला दो, बन जाएगा प्रेजल वर्ब। और क्या, तो यहां पे देखो पुट हर डाउन, तो पुट हर डाउन का मतलब जैसे अभी अभी आपने लिखा था
जैसे अभी लास्ट वाला सेंटेंस था कि पुट आउट, पुट आउट मतलब होता है मैगजीन वगैरह को पब्लिश करना। पुट आउट मतलब कोई चीज सामान कहीं गिरा हुआ है उसको बाहर निकालो, कुआं से मेंढक को निकाल दो, कुआं से सांप को निकाल दो, पिज्जा से प्याज निकाल दो, टमाटर निकाल दो, तो उसका मतलब ही हो जाता है पुट आउट। पुट आउट मतलब बुझाना होता है। तो देखो यहाँ पे पुट अप होगा नहीं। पुट अप का मतलब मैंने आपको कहा कि रहना, कहीं टेम्पररी स्टे करना, पुट अप ये होता है। पुट हर डाउन का मतलब नीचा दिखाना होता है, पुट डाउन का मतलब नीचे रखना भी हो सकता है। तो यहाँ पे नीचा दिखाता है, ये बात हो रही है कि वह उसको हमेशा पुट्स हर डाउन। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने वर्ब का फॉर्म सही से नहीं रखा है, यहाँ पे सब में एस लगा दीजिए दोस्त, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब जब बोल रहे हैं तो इसके अनुसार ही चलेगा ना। तो पुट्स हर डाउन का मतलब हो जाता है नीचा दिखाना। इसके लिए एक और आपने कभी फ्रेजल वर्ब पढ़ा होगा लुक डाउन अपॉन, जिसका मतलब होता है ह्यूमिलिएट करना, है ना, किसी को ह्यूमिलिएट करना, एम्बैरेस करना, सब्जुगेट करना, पट्रीफाई करना, पट्रीफाई करना नहीं, सब्जुगेट करना, मॉडिफाई करना, ये। तो यहाँ पुट हर डाउन का मतलब नीचा दिखाना हो जाएगा। लेकिन याद मत करिएगा कि पुट डाउन जब भी रहेगा तो इसका मतलब नीचा दिखाना ही होगा। पुट डाउन का मतलब एक मीनिंग तो आपने सही समझा कि नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना होता है, लेकिन यही पुट डाउन का मतलब नीचे रखना भी तो हो सकता है। पुट डाउन दिस कप ऑफ टी, तो पुट डाउन दिस कप ऑफ टी, इसका मतलब पुट डाउन का मतलब हो जाएगा ले डाउन। पुट डाउन का मतलब ले डाउन होगा। तो मैं फ्रेजल वर्ब आपका एडवांस वर्ड बूस्टर से पूछ रहा हूं, आप वहां से पढ़िए और वहां से आप लोग इसको यूज में लाने का प्रयास करिए, प्रैक्टिकल हो गए। रट के अगर मैं बताऊंगा तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे किसका मतलब क्या हुआ। जैसे पुट अगर हम यहां लिख रहे हैं, जरा समझो इस चीज को, जैसे पुट का मतलब रहना, रखना हो गया, ठीक है, पुट मतलब ले रखना। अब पुट के साथ अगर मैं लगा दूं पुट फॉरवर्ड तो आप समझ जाएंगे ना आगे रखो, और अगर पुट बैक लगा दूं तो क्या दिमाग नहीं लगाओगे, याद करने लगाओगे कि पुट बैक क्या हो जाएगा, पीछे रखो। पुट इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर में रखो, पुट आउट तो हो जाएगा किसी चीज से बाहर निकालो। तो एक मीनिंग तो आप सरफेस से ही निकाल सकते हैं, एक मीनिंग तो आप सरफेस से ही निकाल सकते हैं, दूसरा मीनिंग के लिए एडवांस वर्ड बूस्टर, और क्या हो गया काम खत्म। तो यहां पे पुट आउट का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर हम पुट असाइड बोल दें तो इसका मतलब बगल में रखना भी होता है, और दूसरा मीनिंग इसका बचत करना भी हो सकता है। तो एक सरफेस मीनिंग और एक इनर मीनिंग, फ्रेजल वर्ब में दो मीनिंग आपको निकालने का प्रयास करना है, एक निकालना है सरफेस मीनिंग कि सरफेस पे क्या है, और दूसरा निकालना है इनर मीनिंग। तो इनर मीनिंग के लिए आपको बुक्स का हेल्प लेना पड़ेगा जो मैंने चैप्टर वाइज आपको वो सब दिया है। और एक और इरर्स की आपके लिए इतना जबरदस्त किताब आ रहा है, मेंटर ऑफ कॉमन इरर्स, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, मूड, कंडीशनल, नॉन फाइनाइट आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशंस, उसमें सारे इरर्स, इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, तीनों पैटर्न्स, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ, और 2017 तक अपडेट, और चैप्टर वाइज। ये सबसे खूबसूरत चीज ये है, उसको पढ़ने के बाद ग्रामर पे इतना मस्त हो जाएगा आपका कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो किताब मिलने के बाद आप इतना अच्छा फील आएगा कि मुझे पता है कितना थैंक यू मिलने वाला है उस किताब के लिए। मैं 2-4 दिन के अंदर में फाइनल वो प्रिंट में चला जाएगा। जैसे आपका एडवांस वर्ड बूस्टर जो पढ़ रहे होंगे वो काफी उन्हें अच्छा लग रहा है, काफी तारीफ मिल रही है उस किताब के लिए, और आज से नहीं 7-8 सालों से वो किताब चहेती बनी हुई है। वही चीज आपका मेंटर ऑफ कॉमन इरर्स में भी होगा। तो ये एक आप ध्यान रखिएगा कि जहां भी शब्द ग्रामर लिखता है तो उसके हिसाब से, ग्रामरियन के हिसाब से चले, कि फ्रेज का मतलब कोई भी दो शब्द हो गया, फ्रेज हो गया, और वो दो शब्द जो है ना वो काम करने लगेगा, कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच का काम करने लगेगा, सही है, वो उस काम के हिसाब से उसका नाम होगा, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज, समझ रहे हैं। और idiom जो होता है वो जो होता है वो भी फ्रेज है, लेकिन idiom जो होते हैं ना उसका सरफेस मीनिंग कुछ और इनर मीनिंग कुछ और होता है, वो idiom होता है। फ्रेज तो हमारे कॉमन वर्ड्स हैं, फ्रेज और शब्दों का रिलेशन ही तो चेक करना है वाक्य में, क्यों। तो अब ये देखिए आपको क्या करना है, फ्रेजल वर्ड जब आप पढ़ेंगे तो पहले उसका सरफेस मीनिंग निकालो खुद से, और इनर मीनिंग के लिए किताब वगैरह का रेफरेंस लेना जरूरी भी है। जैसे पुट फॉरवर्ड का मतलब आगे रखना, पुट बैक पीछे रखना, पुट इन अंदर रखना, पुट आउट बाहर रखना, पुट असाइड बगल में रखना। अब सरफेस मीनिंग इसका अलग हो सकता है,
सरफेस मीनिंग तो आप सब समझ रहे हैं, अब इसका इनर मीनिंग देखिए। पुट असाइड का मतलब बचत करना भी होता है, पुट आउट का मतलब बत्ती बुझाना भी हो जाता है, पुट आउट का मतलब पब्लिश करना भी होता है, पुट इन का मतलब शामिल करना भी हो जाता है, पुट बैक तो वापस करना, पुट फॉरवर्ड आगे करना, सही है। अब यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि पुट अक्रॉस, तो पुट अक्रॉस अगर बोलते हैं तो इसका मतलब कुछ और हो जाता है। जैसे मैं वाक्य के जरिए आपसे अगर पूछूं तो वहां पे बताने की कोशिश करिए, ऐसे तो बुक में दिया हुआ है ही सारा चीज, लेकिन मैं क्वेश्चंस के जरिए आपसे मैं पूछना चाहूंगा वो बताइएगा, सही है। जैसे अगर मैं कहूं कि प्लीज, ये सरफेस बेस पे मैं पूछ रहा हूं, प्लीज देखिए इस वाक्य को जरा देखिए, और यहां पे पुट के साथ कौन सा आप पार्टिकल्स लगाएंगे एडवर्ब का, पुट अप, पुट डाउन, पुट अक्रॉस, पुट अप विद, पुट आउट। ये देखिए इनमें से कोई आपको लगाना है बताइए तो क्या लगाएंगे, जल्दी 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 बनाइए फटाफट बताइए प्लीज। अब ये देखो वर्ब से यहां से प्लीज से शुरू हो रहा है, ये हमारा एडवर्ब है, सेंटेंस एडवर्ब है, पूरे वाक्य को क्वालिफाई कर रहा है। प्लीज, काइंडली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, लकली, अनलकली, ये सब सेंटेंस एडवर्ब है। अभी जब सेंटेंस एडवर्ब शुरू हो रहा है, ये इंपरेटिव सेंटेंस में बात हो रहा है, पहले हमें वर्ब चाहिए और वो भी फर्स्ट फॉर्म में चाहिए। लेकिन कप ऑफ टी क्या करेंगे पीने के बाद, नीचे रखेंगे ना, तो डाउन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहां पे असाइड बोल दूं तो क्या है, गलत हो जाएगा, नहीं मीनिंग समझना चाहिए, तो इसलिए मैंने असाइड दिया ही नहीं था। पुट असाइड मतलब कप को बगल में रख देना, पुट डाउन मतलब कप को नीचे रखना, और पुट इन द कप किसी चीज के अंदर में रखना तो वो भी हो सकता है। तो यहां पे पुट डाउन, कोई एक ही चीज पे आप रिजिडिटी के साथ मत पड़िएगा, आप हमेशा दिमाग चलाइए, आप एडजस्ट मत करिए। नौकरी के लिए काम कर रहे हैं, सपनों के लिए काम कर रहे हैं, जिंदगी बदलने वाला काम कर रहे हैं, तो नो एडजस्टमेंट। और रही बात अनाउंसमेंट का, जो मैं नया चीज जो मैं आपके लिए लाने वाला हूं बहुत धमाकेदार, वो मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा, दशहरा के खत्म होते ही मैं अनाउंस कर दूंगा कि आपका बैच मैं कब शुरू कर रहा हूं, और बिल्कुल कम फी में, और इतना फायदेमंद कि ये कल्पना से परे है आपके जो चीज मैं आपको दूंगा, और जो चीजें होगी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करके मैं सब कुछ जल्दी ही अनाउंस करूंगा दोस्तों। तो ये समझ गए, यहाँ पे पुट डाउन होना चाहिए था, क्योंकि कप को चाय पीने के बाद आप कप नीचे रखेंगे, तो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे पुट डाउन था। तो अगर मैं कह रहा हूं कि प्लीज पुट अब इस जंगल के आग को आप क्या करेंगे, यहां पे मैं आपके लिए ऑप्शन दे रहा हूं, आउट लगाएंगे, इन लगाएंगे, अक्रॉस लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइए बताइए। तो आप सोच के देखिए कि पुट के साथ आउट लगता है तो चीजों को बाहर निकालना होता है, पुट आउट का मतलब पब्लिश करना होता है, पुट आउट का मतलब बुझाना, यानी ये फ्रेजल वर्ब का सरफेस मीनिंग के अलावा मल्टीपल मीनिंग और हो सकते हैं। यहां पे पुट आउट का मतलब हो गया एक्सटिंग्विश करना, एक्सटिंग्विश करना, आग बुझाना, एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं ना, राइट। इस तरह से अगर मैं कहूं किसी पुट दूसरा मार्कर प्लीज, राम बयान जी, थैंक यू। जरा देखो दोस्त यहां पे क्या लगाएंगे, सी पुट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द पार्टी यस्टरडे, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
मुझे लगता है ये बड़ा आसान फ्रेजल वर्ब है ना, क्योंकि पहनने के लिए ऑन लगा, लेकिन ऑन क्यों लगाया, इसके पीछे रीजन पुट भी जानो और ऑन भी जानो। ऑन तब लगाते हैं जब चीजें अटैचमेंट दिखानी हो, अटैचमेंट दिखाना है तो हम ऑन लगा देंगे, सही है कि नहीं, और डिटैचमेंट दिखाना है ओ डबल ईफ लगा देंगे। पुट ऑन दिस कैप, कैप पहन लो, पुट ऑफ द कैप, कैप उतार दो, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑफ योर शूज, पुट ऑफ दिस शर्ट, पुट ऑफ दिस शर्ट, समझ रहे हैं ना। तो सही और गलत कुछ नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फैसला करना है। तो सी पुट ऑन अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द पार्टी यस्टरडे, पुट पुट पुट, कट कट कट, लेट लेट लेट, सेट सेट सेट, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जिसके फॉर्म से ही होते हैं, जो आपने पढ़ा होगा कभी भी, बहुत सारे चैनल पे ये सब अवेलेबल रहता है, किताबों में अवेलेबल रहता है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप यहां देखें, सी पुट ऑन अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द पार्टी यस्टरडे, तो यहां पे पुट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये टाइम यहां से पता चला एडवर्ब ऑफ टाइम से, तो यहां पे पुट ऑन का मतलब क्या हुआ, पहनना। अब जरा देखो यहां पे, अगर मैं कह रहा हूं कि आई विल या आई एम ट्राइंग टू पुट अब जरा दोस्तों इसको ध्यान से समझिए और बताइए कि यहां पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपके लिए सही लग रहा है। कम ऑन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिनिश। तो इसमें होगा कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, सही है। तो इसका मतलब हुआ कि मैं अपने मन की बातों को आपको समझाने का काम कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, परश्योर करने का, कन्विंस करने का काम कर रहा हूं। तो पुट अक्रॉस का मतलब हो जाएगा अपनी बातों को समझाना, किसी को कन्विंस करना या एक्सप्रेस करना अपने आइडियाज को, सही है, एक्सप्रेस करना ही पुट अक्रॉस, अपने थॉट को बाहर निकालना। लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं कि पुट दिस थिंग अक्रॉस द टेबल, तो यहां पे अक्रॉस हो जाएगा, यहां प्रीपोजिशन का काम करने लगा, इस चीज को टेबल के उस पार रखो, तो इसके कई मीनिंग हो सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, समझ गए। और चाहिए या काफी है इतना? तो इस तरह से चीजों को आपको देखना है दोस्तों, और मैं रोज कुछ नए नए टॉपिक पे आपको खास करके समझाने का प्रयास करूंगा। डेटा की कमी आपके पास है नहीं, बस चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, व्यवहारिक तरीके से अंग्रेजी को समझना चाहिए, प्रैक्टिकल वे में। बहुत कम ही लोग हैं जो अंग्रेजी को सही से समझ पाते हैं, बहुत कम लोग हैं, वरना हमेशा कुछ खास एक ट्रेडिशनल तरीके से काम करते हैं कि अपना रूल लिखवा दिया और रूल को एक्सप्लेन करवा दिया, बच्चा भी समझता है कि मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन दोस्तों बहुत कम ही लोग हैं जो समझ पाते हैं कि अंग्रेजी क्या है, टीचर नहीं समझ पाते, बच्चे कहां से समझ पाएंगे। तो बहुत प्रैक्टिकल होकर चीजों को देखिए, कभी भी अंग्रेजी में चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, हर जगह कुछ ना कुछ चीजें होती है लॉजिकली जो सोचने की जरूरत होती है। अगर हम वो चीजों को सोचें समझें तो कुछ दिनों में ही तस्वीर बदल सकती है और कम समय में ही हम अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, श्याम शर्मा, मुखर्जी नगर, दिल्ली।